राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगने में जुटी राजस्थान भाजपा मिशन 25 को पूरा करने की किसी प्रकार की बाधा नहीं चाहती। यही कारण है कि बीजेपी अपने रूठों को मनाने में लगी है। विधायक बाबू सिंह राठौड़ चंद्रभान आख्या के बाद बीजेपी दूसरे निर्दलीय विधायक और अन्य नेताओं से संपर्क किया जा रहा है। इस सियासी महाभारत में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार श्री कृष्ण की तरह भूमिका निभा रही है। भाजपा ने देश में 370 और एनडीए 400 पार का लक्ष्य तय किया है। दूसरी ओर दो बार से लगातार राजस्थान की सभी 25 की 25 लोकसभा सीट जीत रही भाजपा ने तीसरी बार मिशन 25 का टारगेट लिया है। मिशन 25 को पूरा करने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है। यही कारण है कि दूसरे दलों के प्रभावशाली नेताओं को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाने के साथ ही विधानसभा चुनावों में बीजेपी से बगावत कर चुनाव लड़े और निर्दलीय चुनाव जीतने वाले विधायकों से संपर्क किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि बीजेपी के मिशन 25 में किसी प्रकार का खलल न पड़े और पार्टी लक्ष्य को पूरा कर सके। इसके लिए अलग अलग प्रकार और नेताओं के जरिए निर्दलियों को पुचकारा जा रहा है। पहले शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने जोधपुर संसदीय सीट से प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई थी। इसको देखते हुए जोधपुर सीट पर पड़ने वाले असर के कारण पार्टी में चिंता की लकीरें खींच गई थी। हालांकि तुरंत बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मध्यस्थता में शेखावत और राठौड़ में समझौता हुआ। राजधानी जयपुर में जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन नॉर्दर्न रीजन व जैन सोशल ग्रुप कैपिटल की ओर से हास्य कवि सम्मेलन महावीर स्कूल प्रांगण में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग कवि सम्मेलन में आनंद लेने पहुंचे। दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी की अध्यक्ष सुधांशु कासलीवाल ने बताया कि सम्मेलन में लोगों ने जमकर ठाके लगाए व कवियों ने भी हास्य और व्यंग्य के माध्यम से सबसे सभी को गुदगुदाने पर मजबूर कर दिया। जैन सोशल ग्रुप कैपिटल द्वारा आज 18वां कवि सम्मेलन है। पिछले निरंतर हम 17 साल से कवि सम्मेलन करते आ रहे हैं। इस कवि सम्मेलन में हमने देश के माने जाने बुद्धि प्रकाश जी, भास्कर, शशिकांत जी, पद्मनी जी शर्मा, बादल जी और पार्थ नवीन, इन सब की उपस्थिति और लटूरी लट विशेष तौर से यूपी से आए हैं और अपने लठ बजाएंगे। जिस तरह से कवि सम्मेलन हम करते हैं, पूरे समाज में उत्साह और जोर शोर से ये कवि सम्मेलन हजारों की संख्या में यहाँ पे उपस्थित होते हैं और समाज का भी हमको इसका पूरा सहयोग मिलता है। जय हिंद, जय महावीर। सुभाष होली के माहौल में एक ये आनंद का है कि आनंद हो और समाज में सब एक दिन टेंशन लेस होकर ये कवि सम्मेलन को सुने और आनंद लें। जोधपुर में मां मंदिर जाटाबाद स्थित सैनिक क्षेत्रीय माली सभा भवन मंदिर परिसर में फाग उत्सव मनाया गया। फाग महोत्सव में आयोजनकर्ता मधुकिशन सिंह गहलोत ने बताया कि फाग महोत्सव भक्तों ने पुष्प गुलाल संग होली खेली। इसके साथ महिलाओं ने भजन कीर्तन के साथ नृत्य भी किया। महिलाओं ने रंग और गुलाल व पुष्प के साथ एक दूसरे के ऊपर छिड़ककर बड़े परंपरागत ढंग से फाग उत्सव मनाया। वहीं जानकी देवड़ा कृष्ण तो शांति टाक को राधा स्वरूप में सजाया गया। भजनों की सरोवर सीमा टाक मनु महाराज ने लड्डू गोपाल को झूले में बैठाया। शाहपुरा से खबर, जहां भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने जिले के सरदार नगर व रायला पोलिंग बूथ का शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर शेखावत ने बताया कि निरीक्षण का उद्देश्य आम मतदाता के लिए जागरूकता व भयमुक्त माहौल तैयार करना है ताकि वो निडर होकर स्वतंत्र रूप से अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सके, जिससे जिले में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष व सुव्यवस्थित मतदान सुनिश्चित किया जा सके।
छापरा में संप्रदाय के पीठाधीश्वर आचार्य रामदाल महाराज के सानिध्य में संप्रदाय के अनुरागियों ने संस्थापक आचार्य श्री रामचरण जी महाराज के अनुभवी वाणी ग्रंथ की शोभा यात्रा निकाली, जो राम मेडिया से सदर बाजार होते हुए राम निवास धाम पहुंची। शोभा यात्रा में लाए गए चढ़ावा को बरादरी में पेश किया। आज यहाँ पर संप्रदाय के पीठाधीश्वर आचार्य रामदयाल महाराज व संप्रदाय के वरिष्ठ संत उदयपुर के नरपत राम महाराज और ब्यावर के संत केवल राम महाराज और सोजत के विद्वान संत डॉक्टर पंडित राम स्वरूप शास्त्री व कारवाक भंडारी संत जगवल्लभ राज महाराज के प्रवचन हुए। श्री रामचरण जी महाराज की जय, राम निवास धाम की जय। आज फूल डोल महोत्सव का आगाज हो गया, जो कि 25 दिन का मुख्य फूल डोल है और इसमें पंच दिवसीय जो फूल डोल होगा वो 25 से 30 होगा। इसमें देश विदेश से सारे भक्त आएंगे और सभी संत पधारेंगे। इसमें जितने भी बाहरी भक्त हैं, मुख्य संत लोग गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों से संत पधारेंगे और 5 दिवसीय फूल डोल में कथाएं और सत्संग का मुख्य आयोजन होगा और सुबह थाल का आयोजन होगा। आप सभी का स्वागत है 5 दिवसीय फूल डोल में। 25 से 30 पधारें और सभी संतों से आशीर्वाद लें, राम निवास धाम के दर्शन करें। We'll be right back.